हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, माइक्रोटेक का 24x7 हाइब्रिड 875 HV यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा इन्वर्टर है, इसको आज हम फिट करेंगे। क्या क्या चीज़ हमने इस पर फिट करने टाइम देखना चाहिए वो मैं सब आपको बताऊँगा। माइक्रोटेक का इन्वर्टर है ये, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी बैटरी है वो का आया। तो इसका देख सकते हैं, सबसे पहले लगाने टाइम यहाँ पे टर्मिनल को देख सकते हैं निगेटिव, ये चीज़ें पहले फाइंड आउट कर ले कि हमारी निगेटिव कौन सी है और पॉजिटिव कौन सी है। ये हमारी पॉजिटिव हो गई, निगेटिव और पॉजिटिव। उसके बाद जो हमारी ये रही केवल, ये रहा, तो हम अब इसको कनेक्ट करेंगे। पहले दोस्तों हम ये पॉजिटिव को ही कनेक्ट करेंगे, देख सकते हैं पॉजिटिव में। दोस्तों इसमें लगाने से पहले देख सकते हैं फेस हमारा चेक कर लेना जरूरी है कि फेस किस तरफ है। ये देख सकते हैं हमारा यहीं पर फेस आना चाहिए, इस साइड ना कि इस साइड। हम नीचे भी बोर्डों में मैंने चेक कर लिया है, फिर भी मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फेस आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर तो हमारा फेस आना चाहिए ये। तो इन्वर्टर के हमने जो कनेक्शन थे बोर्डों में वो कर रखे हैं, क्योंकि वायरिंग जो थी ये हमने करी हुई थी वो इस तरीके से टेम्परेली करी थी, क्योंकि मैं यहाँ से अगर ये निकाल देता हूँ, आप ये गैलरी में देखना, ये मैंने जोड़ दिया यहाँ से, देखना ये नहीं। ये देख सकते हैं इन्वर्टर के पॉइंट मैंने कनेक्शन दे रखे हैं, तो यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर हम पहले पॉजिटिव को कनेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर लेना, और साथ में चैनल पर बेल आइकन का बटन दबा लेना, जिससे होगा कि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अब हम यहाँ पर निगेटिव को कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी भी स्पार्क कर रही है, ये DC होता है, यहाँ पर आपको करंट नहीं मिलेगा। ये देख सकते हैं मैंने इसका इन्वर्टर बंद कर दिया, ये ऑन था। यहाँ पे मैं दिखा दूँ, देख सकते हैं ये ऑल इंडिया, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है। अब हम यहाँ पे ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये मैंने चालू किया, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा UPS मोड आ चुका है। अभी हमने मेन नहीं दिए तो मेन नहीं आएगी, ओनली ऑन अभी UPS मोड ही आ रहा है। ये यहाँ पे जो हमारा इसका स्विच है, यहाँ पे भी लाइट दी है कि हमें दिखे कि ये ऑन है करके, यहाँ पे देख सकते हैं। और हाँ, जब भी आप ऑन करेंगे तो ऑन कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर आपका ये इस पर आपका करंट आ रहा है, आता है इसमें ऑन कंडीशन में, इसको छुए ना ऐसी कंडीशन में, बंद ही उसमें आप इसमें छू सकते हैं। अब हम इसको उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये स्विच दे दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी मेन भी आ चुकी है और चार्जिंग भी लेना स्टार्ट कर दिया है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे मेन देख सकते हैं और ये चार्जिंग देख सकते हैं। इसमें देख सकते हैं हम ये जो हमारा वायर है, कोई किसी तरह का फेस नहीं रहेगा इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैक्टर को, ये इसमें किसी तरह का फेस नहीं रहेगा, यानी इसमें कोई तरह का करंट नहीं रहेगा ये, क्योंकि ये जो हमारा इन्वर्टर वाला वायर होता है ये बोर्डों में फेस कट करके फेस में गया होता है, इसलिए इसमें आप देख सकते हैं कोई करंट नहीं होता है। ये हमारा आप जो एक मिनट अभी मैं इसके पीछे दिखाता हूँ किस तरफ लगेगा आपका, ये जो लगेगा
ये देख सकते हैं। अब इस पर आप फेस चेक कर लें किसमें आ रहा है, ये देख सकते हैं हमारा फेस है, ये हमारा न्यूट्रल है, यानी जो इन्वर्टर का पॉइंट है वो किस तरफ लगेगा, हमारा फेस की तरफ लगेगा ये, ना कि इस तरफ, क्योंकि इस तरफ हमारा कुछ नहीं आ रहा है। तो हम उसको किस तरफ कनेक्ट करेंगे, इस साइड कनेक्ट करते हैं, ये वाला वायर हमारा कहाँ लगेगा, वो इस तरफ लगेगा, ये हमने कनेक्ट कर दिया, ये देख सकते हैं। और हमारी यहाँ पर आप देख सकते हैं रोशनी में मैं आपको दिखाता हूँ ये, उसके बाद चेक भी कर लें एक मिनट, ये देखें, ये मैं यहाँ से इसको बंद करूँगा तो वहाँ बंद हो जानी चाहिए लाइट, ये हमारा UPS मोड में चल रहा है, अगर उधर बंद हो गई तो लाइट ये ख़राब है लाइन, अगर नहीं हुई ये हमारी लाइट पर आ गया, इसको मैंने ऑन कर दिया, और जैसे ही मैं इसको बंद करूँगा हल्का झपकी मारेगा इन्वर्टर मोड पर आएगा, ये तो ये हमारा सही है। इसको बंद करने के बाद ये हमारा देख सकते हैं UPS मोड पर आ गया है, और मैं इसको ऑन करूँगा, ये देख सकते हैं हमारा ये मेन पर आ गया है। तो इस तरीके से आप इन्वर्टर की फिटिंग कर सकते हैं दोस्तों। अगर ये इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं।